प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जयंती है और एक बहुत ही बड़ा दिन है कि उनके सपनों का जो उन्होंने भारत देखा था जिसमें एक संविधान एक विधान और एक निशान हो उसका पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की टीम ने किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को आज सपना पूर्ण हुआ तो इसलिए ये जो 119वीं जन्मतिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संघर्ष था जो सपना था वो पूरा भी हुआ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे संस्थापक और ऐसे विचार मिले कि उन पर चलकर आज देश आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ऊंची पार्टी और देश किस तरीके से उन विचारों पर चलकर तरक्की करा और विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को ले जा रहे हैं और चाहे पड़ोस की बात हो चाहे चाइना की बात हो चाहे अन्य देशों की बात हो जो आँख दिखाने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हम ऐसी पार्टी के ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और अपने देश को हम सुरक्षित रखना जानते हैं तो इसके लिए भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को आज इस दिन के लिए शुभ दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।